नगर निगम स्थित रानी लक्ष्मीबाई पार्क में सोमवार को राज्य कर्मचारी शिक्षकों अधिकारियों को नई अंशदायी पेंशन योजना के स्थान पर पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल किए जाने के संबंध में चरणबद्ध आंदोलन किया गया। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष हरिकिशोर तिवारी ने बताया कि सरकार के आश्वासन पर हमने 2 महीने हड़ताल स्थगित रखा, 2 महीने का समय व्यतीत होने के बाद भी कार्रवाई नहीं की। उन्होंने कहा कि हमारा पैसा शेयर मार्केट में लगाया जा रहा है, जिसको हम नहीं लगाने देंगे। प्रदर्शन में सुनीता जायसवाल, रागिनी मिश्रा, नीतू आर्या, उषा द्विवेदी, नीलम मिश्रा, रुपेश कुमार श्रीवास्तव सहित अन्य पदाधिकारी और सदस्य मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए संगठन के जिला अध्यक्ष भक्त राज राम त्रिपाठी व प्रदेश अध्यक्ष हरि किशोर तिवारी ने कहा, उसमें किसी प्रकार का निर्णय नहीं लेकर घूमने का मैदान के क्या अनुशासन है, कितने लोग खड़े घूम रहे हैं, ये घूमने का समय नहीं है। और जिनको घूमने का शौक है तो प्लीज यहाँ रहने से क्या फायदा, आप आए भक्त राज राम त्रिपाठी, पुरानी पेंशन बहाली मंच, जनपद गोरखपुर अध्यक्ष। चारी बहाली मंच के तत्वाधान में हम अपनी एकमात्र मांग पुरानी पेंशन के लिए धरने पर हैं, और आज इस धरने को संज्ञान अगर उत्तर प्रदेश शासन भारत सरकार नहीं लेती है तो निश्चित रूप से 28 को मशाल जुलूस एवं उसके बाद 6 से 12 तक हम महाहड़ताल पर होंगे, क्योंकि जो हमारे NPS के पैसे कट रहे हैं कहीं नहीं लगाए जा रहे हैं, सीधे उसका घपला है। और निश्चित रूप से ये पेंशन NPS हम लोगों के लिए लाभदायक नहीं है, पुरानी पेंशन से कम किसी भी मांग पर हम मानने के लिए तैयार नहीं है। आने वाला दिन सरकार को अगर सोचने का होगा, अगर नहीं सोचा सरकार ने तो संघर्ष महाभीषण होगा, याचना नहीं अवरण होगा। पुरानी पेंशन के ऊपर पूरे प्रदेश में आंदोलन चल रहा है, और इस पर हम लोगों ने 2 महीने के लिए हड़ताल को स्थगित किया था माननीय मुख्यमंत्री जी के कहने पे, और 2 महीने का समय व्यतीत होने के बाद भी उस पर जब कार्रवाई सरकार ने नहीं की तो उसके बाद हम लोग फिर से हड़ताल पर जा रहे हैं, और चुनाव से पहले जो 2019 में होने वाला है इससे पहले हम चाहेंगे कि हमारा भी निर्णय होना चाहिए। हम लोग हड़ताल करने जा रहे हैं, हड़ताल के बाद तमाम सारे कार्यक्रम में चुनाव का बहिष्कार भी है, ये सब करेंगे हम लोग, क्योंकि हमारा पैसा शेयर मार्केट में लगाया जा रहा है, जिसको हम लोग नहीं लगाने देंगे।